हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और जहाँ जहाँ पे होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी जो है वो सुबह का टाइम है और मेरी ड्यूटी होती है इस टाइम खाना बनाने की, क्योंकि आजकल काम वाले लगे हैं। आप लोगों को पता ही है, डंगे का काम लगा हुआ है और जो कि आज जाके फाइनल होने वाला है। तो उनको जो है वो आई थिंक 15-16 दिन हो गए हैं कंटिन्यू लगे हुए काम पे। मतलब 6 और 7 लोग तो डेली होते हैं। तो फाइनली आज जाके जो है वो काम कंप्लीट होने वाला है। शायद आधे दिन तक आज हो जाएगा मे बी, या शाम को तो फिर हो ही जाएगा। तो फिर अभी मैंने दाल बनानी है, रोटी मैंने सुबह बना ली है और आज सोचा कि मैं ना कुछ मीठा बना ले, क्योंकि काम की समाप्ति पे कुछ मीठा हो जाए, फिर दोबारा अगला काम तो अभी होगा ही होगा। मतलब काम तो अभी बहुत लंबा है, बट एक काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज मैं बनाऊंगी उनके लिए जलेबी। दिन में वो खाना खाने आएंगे, 1:30-2 बजे के आसपास आ जाते हैं, 1:30 से 2 के बीच में आ जाते हैं सभी लोग। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जलेबी। तो अभी रियांश भी सो गया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। अभी जलेबी का के लिए आटा, जो मतलब मैदा जो होता है वो मुझे गूंदना है। गूंद के मैं रख लूंगी, बनाऊंगी तो उसी टाइम गरम गरम, मतलब थोड़ी सी देर पहले, बट टाइम भी हो जाएगा तब तक जब तक दाल होगी, चावल। अभी 10:15 हो गया है तो 1 बजे से मैं बनाना स्टार्ट कर ही दूंगी। तो अभी उसका थोड़ा सा आटा उटा मैदा वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा मैदा। मैं मैदे को डालूंगी जितना भी मुझे बनाना है। तो वैसे तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं लगता है, बट जितना भी होगा जो बच जाएगा वो मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाकी कभी भी फिर बना सकते हो 1-2 दिन से। तो इतना सा काफ़ी होगा, इतना सा मैं अभी गूंद लेती हूँ। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए, ज़्यादा की कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए तो फिर एकदम से तो इसके लिए गूंद भी नहीं सकते। तो अभी अभी मुझे इसमें डालना है सोडा, खाने वाला सोडा जो हम यूज़ करते हैं घर में, थोड़ा सा सोडा डालूँगी। और इसको ना भी मुझे अच्छे से मिक्स करना है, इसको मतलब सोडे को मैदे में इस तरह से, ताकि हमारा जो सोडा है वो सारे आटे में मिल जाए। तो अब मैं डाल लूँगी इसमें पानी और इसको मैं स्टार्ट करूँगी ऐसे हल्के हल्के हाथों से गूंदना, नहीं तो इसमें वो लम्स जो होते हैं वो पड़ जाते हैं। ये देखिए मैंने जो है वो इस मैदा मतलब बिल्कुल स्मूथ हमारा हो गया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से मतलब गूंदने से इसमें जो है वो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया है। और अभी ना मुझे इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है लस्सी। तो ये मैंने लिया है लस्सी का गिलास, तो इतनी तो मैं नहीं डालूँगी, थोड़ी सी मुझे डालनी है इतनी सी। और फिर मैं दोबारा से एक बार इसको ऐसे मिक्स करूँगी। जो हमारा बैटर है वो बन के हो गया है तैयार, ये देखिए। तो अभी तो इसको मुझे बहुत देर के लिए रखना है। और लस्सी क्यों डालते हैं ये ज़्यादा पता मुझे भी नहीं है, बट मैंने जो है वो लोगों को डालते हुए देखा है तो मैंने भी डाल दी है, ये देखिए। तो बट इससे ना शायद, क्योंकि मैं कई बार ना रोट आटे में भी डालती थी, तो इससे जो हमारा मतलब ये हमने तैयार किया है बैटर, ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मतलब इसमें क्या बोलते हैं, मतलब स्मूथ स्मूथ सा हो जाता है और अच्छा बनता है, शायद इसीलिए इसको डालते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता क्यों डालते हैं। तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो कि लस्सी क्यों डालते हैं। तो अभी मैं इसको तो ऐसे ही रख दूँगी, मतलब किसी गर्म जगह पे थोड़ी सी, मतलब ऐसे ही ढक के, जितने देर तक जलेबी नहीं बनेगी तब तक यहाँ इसको रखूँगी। और जब तक मैंने मैदा मतलब मैदे का पेस्ट तैयार किया, तब तक रियांश भी जो है वो सो के उठ गया। ये आज जल्दी ही उठ गया था। तो नमस्ते करो, नमस्ते। हाँ जी, और इसके हाथ देखिए, वही हाथ में क्या है, ये क्या किया है? लिखा है? किससे लिखा है? किससे लिखा है? पेन पेन से लिखा है। अच्छा, तो अभी इसको नहलाना है और दाल में चौंका लगाना है, तड़का लगाना है।
उसके बाद बनेगी फिर जलेबियाँ। तो अभी फटाफट से निपटा लेते हैं काम। और ये रहे रियांश के, खाएगा रियांश। ये है क्रैक्स, क्रैक्स को इसमें, इसको कुछ मिला भी है। क्या मिला है? खैया है। किसका? पक्की बात है, झूठ तो है। लाए दही झूठी। तो देखते हैं इसमें इसे क्या मिला है। ऐसे ही बच्चों के खेलने की चीजें होती है। ये तो कुछ चुभने वाला है, केक टाइप। ये देखिए छोटा सा, मतलब ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का। ऐसे 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 ऐसे। ये तो गंदा है, इस बार नहीं मिला। अच्छा ये नहीं अच्छा है ही नहीं अच्छा। ये तो गंदा है, दूसरा का। इसको खाओ ना, ये होता है इसमें खाने वाला। ये खाओ, ये नहीं खाना। तो ये मिला इसमें, ये तो था ही नहीं आज। अच्छा ये नहीं अच्छा। और इसमें बहुत सारे, मतलब अलग अलग टाइप के खिलौने से छोटे छोटे से बच्चों के बन जाते हैं। ये मिला क्या? ये क्या है? पंखा है। पंखा नहीं है ये, कई बार पंखा भी मिल जाता है। लास्ट टाइम एक चाकू मिला था ऐसे से, टिचकी टिचकी वाला। पेन जो कॉपी का, और मम्मा ने काटने हैं प्याज। नीचे हाँ नीचे, अभी देखिए मैं किसी चार छूते नहीं, नीचे लगती है। क्या होता है प्याज में? घूमो चलेगी। अच्छा 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 पक्की बात है, ढक्कन है? नहीं, हाँ ढक्कन भी लगाना हमने। ढक्कन लगाएंगे प्याज में। किस में लगाना है ढक्कन? कहाँ है इसका ढक्कन? ये रहा इधर ढक्कन। ढक्कन अब कैसे चलेगी? और ये देखिए हमारे प्याज पिस चुके हैं। थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। मिर्च लगी, लिख तो लिखा पड़े। लिखो सो, पकड़ी पेन है, सीधा पकड़ो पेन। कैसे पकड़ता है पेन? कैसे पकड़ता है? अभी इसको रखते हैं अंदर। और यहाँ पे अभी मैं दाल में छौंका लगाऊंगी, तो ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे ही छोटा छोटा सा आप लोगों को, मतलब छोटे छोटे क्लिप में दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे फिर बोरिंग हो जाएगी वीडियो। तो ये सारे जो नॉर्मली सभी डालते हैं मसाले, वही मसाले मैं डालूंगी और फिर दाल डालूंगी। बस सिंपल सा तड़का और टेस्टी टेस्टी दाल राजमा की और उड़द। और गाइस अभी मैंने जो है वो रियाज को नहला दिया है, और अभी ये नहा के हो गया है रेडी। रेडी है नहा के, नमक किया। और इसने गंदा गंदा सूट आज पहना है, वैसे नहीं करते, शर्म शर्म होती है, बेशर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट गंदा है कि अच्छा है? अच्छा गंदा, अच्छा गंदा। हम तो घर बैठू, बेशर्म बन गया इसका। अभी स्टार्ट हो गया है जलेबी बनाने का प्रोसेस। तो मैंने 2 गिलास डाल लिए हैं चीनी के फ्राई में, और इसमें मुझे आधे से, मतलब आधा गिलास के आसपास पानी का मैंने डाला, आधे से भी थोड़ा सा कम मैंने डाला है। और इसको मैं अभी पकने दूंगी, जब तक हमारा जो ये चाशनी होती है बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो तब तक मैं इसको जो है वो थोड़ा सा पकने दूंगी। हमारा जो चाशनी है वो भी तैयार है, और ये है बॉटल जिससे कि मुझे जलेबी बनानी है, और इसका ये ढक्कन है जिसको कि मैंने यहाँ से बीन लिया है। तो इसी के थ्रू जो मैं जलेबी बनाऊंगी, तो वो अभी मैं इसमें जो हमारा मैदे है, मैदे का जो बैटर है वो मैं इसमें भर लेती हूँ। इसको मैं भर लेती हूँ बॉटल में। बॉटल छोटी सी है और भरने में भी थोड़ा सा टफ होता है, बट साइड में भी गिरी जाता है तो कोई बात नहीं, इसको साफ कर सकते हैं बाद में। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बॉटल में भरने से, बट एक बार भर दी तो काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। ये देखिए हमारी जो जलेबी है वो ऐसे बनेगी। ये रही हमारी चाशनी जिसमें अभी थोड़ी थोड़ी सी चीनी रहती है, और ये है रंग, जलेबी वाला रंग, जिससे कि हमारी जलेबी जो है वो रेड होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने डाल लिया है चाशनी में, और ये देखिए चाशनी का रंग भी जो है वो लाल लाल सा हो गया है। अब यहाँ पे रख लिया है मैंने ऑयल, और अब मैं बनाऊंगी जलेबी। ये देखिए
तो इतने परफेक्ट तो नहीं भी है बट खाने लायक तो बनी जाती है। तो ये देखिए इस तरह से जो मैं मतलब बॉटल से जलेबी बनाती हूँ वो ऐसे बनाती हूँ। वैसे हलवाई वाली बात तो मतलब नहीं भी आती है तो, बट ये है कि काम चलाने के लिए, मतलब काम चलाने के लिए तो क्या, फिर भी अच्छी बन जाती है और अपने हाथ की तो वैसे भी टेस्टी लगती है खाने के लिए। तो मुझे अभी काफ़ी सारी जलेबी जो है वो बनानी है, तो सारी तो मैं आप लोगों को नहीं भी दिखा सकती और फिर साथ साथ वीडियो बनाऊँ एक हाथ से, या फिर फ़ोन भी नहीं रख सकते ऐसे, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी अभी दिखाती हूँ जलेबी बनाते हुए। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये मैंने चाशनी में से जो निकाली है वो है, देखिए इस पे जो है वो अच्छे से रेड रेड सा कलर भी चढ़ गया है हमारा जलेबियों का, जैसे होती है जलेबी। और ये देखिए ये एक साइड से सेक में इसमें लग गया है, अभी दूसरी साइड में इसको फेर लेती हूँ। कई कई जलेबी में थोड़ा सा ज़्यादा सेक भी लगा हुआ है क्योंकि मेरा ध्यान बीच बीच में वीडियो की तरफ भी चला जाता है, तो फिर मैं उधर बिजी हो जाती हूँ और फिर जलेबी में सेक जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इसीलिए। और इधर फिर रेयांश भी है गंदा बच्चा, तो ये देखिए इनको भी मैं अभी निकाल लेती हूँ एक एक करके। और मुझे बहुत दिक्कत आ रही है अभी वीडियो बनाने में भी, जलेबी बनाने में भी, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ा है और एक हाथ से ही फिर मैं जलेबी उधर डाल भी रही हूँ, फिर दोबारा से डिप भी इसको कर रही हूँ। तो यही एक मतलब जो छाड़ इसको बोलते हैं, एक मतलब जो एक टाइम की, यही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। मैं इसके आगे मैं आप लोगों को शायद नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी जलेबी की, क्योंकि अभी खाने का टाइम होने वाला है तो जलेबी खाने वाले सभी लोग आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी करारी करारी सी जलेबी, गरम गरम सी जलेबी बनके हो गई है तैयार। रियांश ने खाना है जलेबी? क्या खानी, क्या खानी है, क्या ये जलेबी, ऐसे बोलो जलेबी। ये देखिए, और मैं उल्टे को डालती हूँ जलेबी, बाकी लोग मतलब पहले अंदर का सर्कल बनाते हैं फिर बाहर बाहर को जाते हैं, बट मैं पहले बाहर का बनाती हूँ फिर अंदर अंदर को आती हूँ। वैसे मुझसे बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये रही जलेबी, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ करारी करारी सी है। ये देखिए बिल्कुल करारी पतली पतली सी जलेबी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस अभी सब लोग मतलब जलेबियाँ सबने खा ली थी और अभी तो शाम हो गई है, 4:30 हो गए हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ इस टाइम चाय छोड़ने, जो काम वाले लगे हैं सभी उनके लिए। तो खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं खाते हुए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, मतलब मैं करती भी नहीं हूँ, तो इसीलिए खाने की वीडियो मैंने नहीं दिखाई। तो अभी काम मैंने बताया था कि शायद दिन तक ख़त्म भी हो सकता है पर वो नहीं हुआ, तो शाम को अभी होने वाला है ख़त्म, तो उनके लिए मैं चाय लेके भी जा रही हूँ। तो वहीं पे मैं आपको मतलब जो फाइनल डंगा हमारा बनके तैयार शायद हो गया होगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, 4:30 का टाइम हो गया है, तो ये बेचारे बहुत दूर से पैदल पैदल आते हैं, तो आगे पीछे थोड़े थोड़े बच्चे चले रहते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते, आगे स्कूल से और बाकी दोस्त तुम्हारे, नमस्ते नमस्ते पीछे। दे नहीं रखा है तेरे को काम? क्यों ये रहा हमारा जो डंगा है वो, जिसका कि आज खत्म हुआ है काम,
तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हस्बैंड जो है वो सिंचाई कर रहे हैं। ये देखिए इनके अभी थोड़ा सा बचा हुआ है एक साइड से, ये भी रोड के पास ही है, तो मैं नीचे जाके जहाँ पे प्लॉट है वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा यहाँ से, तो यहाँ पे बनेगा घर जब भी बनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कब बनेगा, बट आज ये वाला काम फाइनली ख़त्म हो ही गया है 15-16 दिन लगाने के बाद। तो काफ़ी बड़ा सा डंगा है, आप लोगों को इसमें दिख भी रहा है कि कितना बड़ा है, यहाँ से 30 मतलब 40 फुट का, ये 40 के आसपास का ऐसे कुछ डंगा है जो ये सारा है। अभी मैं आ गई हूँ चाय को छोड़ के, मतलब सबको चाय दे के, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे गेहूँ, और यहाँ पे अभी हम लोग गेहूँ की आजकल सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि धूप इतने तेज है ना कि पूछो ही मत, इसीलिए ये लगाया है यहाँ पे स्प्रिंकलर, तो इसी की मतलब इसी के द्वारा जो है वो सिंचाई गेहूँ की हो रही है ताकि गेहूँ बहुत ज़्यादा ना सूखे, इसीलिए इसकी हम सिंचाई कर रहे हैं।